गोरखनाथ मंदिर में मंगलवार की शाम को आयोजित होली मिलन समारोह में मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने लोगों पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि होली सद्भाव, समता और सौहार्द का महापर्व है। होली के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री ने सुबह से शाम तक उत्सव धर्मी कार्यक्रमों में भाग लिया। सुबह गोरखनाथ मंदिर में होलिका भस्म से होली की शुरुआत करने और फाग गीतों का आनंद उठाने के बाद उन्होंने घंटाघर जाकर भगवान नरसिंह की रंग भरी शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। शाम को गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी लोगों पर गुलाब के पुष्पों की वर्षा करके उन्हें होली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने सबके सुखमय, आरोग्यमय, समृद्धमय, शांतिमय जीवन की कामना करते हुए कहा कि सनातन संस्कृति के पर्व और त्यौहार हमेशा बुराई छोड़ने, अच्छाई के मार्ग पर चलने, सामूहिकता, समरसता और लोक कल्याण की प्रेरणा देते हैं। होली मिलन समारोह में सुपरिचित लोक गायक सहित कई कर्णप्रिय भजनों और होली गीतों की प्रस्तुति की गई। सांसद और फिल्म स्टार रवि किशन शुक्ला ने भी गीत सुनाकर सबको झुमाया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष पूर्व कुलपति प्रोफेसर यूपी सिंह, भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सहजानंद राय, काशी से आए महामंडलेश्वर संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। Thank you.